कल हमने देखा कि FIs DIs दोनों ने ही बाइंग की, हालांकि FIs थोड़ा सा कॉशियस नोट पर बाइंग कर रहे हैं। ज्यादा बड़ी बाइंग FIs की साइड से कल भी नहीं देखने के लिए मिली। परसों तो 60 करोड़ की थी, कल 314 करोड़ की बाइंग थी। DIs की तरफ से 1416 करोड़ की बाइंग थी। तो ये एक अच्छा संकेत है कि DIs लगातार मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो जिस तरह से SIP का डेटा आ रहा है, लगातार मंथली म्यूचुअल फंड में इनफ्लो आ रहा है, उसका एक जबरदस्त इनफ्लो मार्केट में आना लाजमी था और वो दिख भी रहा है नंबर्स में। ग्लोबल इंडिसीज पर नज़र डालें तो डाउ में एक लैकलस्टर सा मूवमेंट देखने के लिए मिला। शंघाई में लगातार गिरावट ही चल रही है, करीब 4.5% से ज़्यादा की गिरावट है। हैंगसेंग जरूर हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है। निकेई कोस्पी बिल्कुल फ्लैट हैं यहाँ पर ऑन विद नेगेटिव बायस। साथ ही गेनर लूजर्स पर नज़र डाल लेते हैं, कौन से शेयर्स हैं जो कि आज के मार्केट में भी, गिरे हुए बाजार में भी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रोलेक्स रिंग्स यहाँ पर करीब 11% ऊपर, राजेश एक्सपोर्ट करीब 9% ऊपर, RVNL में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है, करीब 9% की। आयोन एक्सचेंज 6% ऊपर, रेमंड में करीब 5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। लूजर्स देख लेते हैं, कौन से शेयर्स हैं जो मार्केट की इस गिरावट में पार्टिसिपेट ज़्यादा कर रहे हैं। तो MNM में यहाँ पर करीब 5.5% की गिरावट अभी चल रही है। जीनस पावर यहाँ पर 5%, थिरुमलाई केमिकल 5%, नेशनल फर्टिलाइजर और सुदर्शन केमिकल्स यहाँ पर करीब 5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक जो ट्रेंड निकल कर आ रहा है वो केमिकल और फर्टिलाइजर शेयर्स के लिए ज़्यादा खास नहीं है, करीब 5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन कल एक बड़ी न्यूज़ थी, एक बड़ा डेवलपमेंट था जब प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिले, और उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी वो स्टॉक मार्केट के लिए या बिजनेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो थी कि भारत रूस अपना 2030 तक कारोबार बढ़ाएंगे और इस कारोबार को बढ़ाकर 100 बिलियन तक ले जाने की बात है। अभी का जो मौजूदा कारोबार है इन दोनों ही देशों का करीब $65 बिलियन का है, जिसमें से $61 बिलियन का इंडिया ने इम्पोर्ट किया। तो एक तरह से द्विपक्षीय में एक पक्ष ज़्यादा मजबूत है, जिसमें कि रशिया अपना ज़्यादातर माल एक्सपोर्ट करता है। रशिया के एक्सपोर्ट में भी जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो केवल और केवल क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल इसलिए बड़ा क्योंकि जब से रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो हमने रशिया से क्रूड खरीदना काफ़ी तेज़ी से चालू कर दिया था, क्योंकि हमें डिस्काउंट काफ़ी अच्छा मिल रहा था। अब हालांकि ये डिस्काउंट केवल $3 से $4 पर बैरल है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। साथ ही अगर देखें तो भविष्य में लोकल करेंसी पर ही दोनों बिजनेस करेंगे, अपने दोनों ही देश रूबल और साथ ही रुपये में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। रशिया में डॉलर बैन है। साथ ही अगर देखें तो भारत की तरफ से जो एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात होगी वो मेडिसिन, डिफेंस, एग्री को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये कुछ एक सेक्टर होंगे जहां पर कि आने वाले समय में वॉच करना होगा। अविनाश सर, अगर देखें तो जो क्रूड ऑयल को लेकर जिस तरह का इस अभी तक का इंपोर्ट सिनारियो रहा है रशिया से, उसमें जो मेजर बेनिफिशियरी रही सर वो रिफाइनरी कंपनीज रही, जिन्होंने कि क्रूड इंपोर्ट किया और अच्छे मार्जिन्स कमाए और एक्सपोर्ट भी कर दिया पेट्रोल डीजल बनाकर। MRPL, चेन्नई पेट्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कैसे देख रहे हैं सर इन तीनों काउंटर्स को? कल दो तो चले भी थे, MRPL और चेन्नई पेट्रो। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जरूर फायदा होना चाहिए क्योंकि क्रूड के कीमतें बहुत समय तक स्टेबल है, प्लस इंडिया का जो बाइंग बास्केट है इसमें रशिया का जो बाइंग होता है वहां पे इंडिया को अच्छे डिस्काउंट्स भी मिले हैं। और ऐसा लग रहा है कि देखिए, कोई भी जियो पॉलिटिकल यू नो काइंड ऑफ डेवलपमेंट अगर नेगेटिव नहीं होता तो मेरे ख्याल से क्रूड की कीमतें 2024-25 में यू नो काफी स्टेबल रहेगी। और सबसे बड़ी बात जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए वो ये है कि जो एविएशन सेक्टर है और जो ऑटो सेक्टर है वहां पे हमने देखा है कि यू नो थ्रूपुट काफी बड़ा है, वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए अगर थ्रूपुट बढ़ता है तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए अच्छी बात रहेगी। मेरे ख्याल से अगर हम यू नो चेन्नई पेट्रो की बात करें या दूसरे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक HP का BP देखिए, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि निवेश का एक मौका बन सकता है क्योंकि जहां पे क्रूड सॉफ्ट होता है वहां पे इन कंपनीज के GRMs भी बढ़ेंगे और ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी बढ़ेगी क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल खत्म हो चुका है, अभी प्राइसिंग के लिए इनके लिए कोई दिक्कत है नहीं। तो मेरे ख्याल से MRPL, चेन्नई पेट्रो, BPCL, HPCL यहाँ पे थोड़ा थोड़ा निवेश जरूर हम कंसिडर कर सकते हैं अगर नजरिया अगले 6-12 महीने। बिल्कुल, दर्शकों के काफ़ी सवाल भी आ रहे हैं, उन सवालों की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन एक बार पहले रशिया और इंडिया वाली खबर को कंप्लीट कर लेते हैं। सर, इंडियन कंपनीज डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, एल्कम लैब, जाइडस, ये सभी रशिया में एक्सपोर्ट करना भी चाहती हैं और कुछ कर भी रही हैं। पीछे इस तरह की खबरें थी कि सन फार्मा, एल्कम लैब, जाइडस लाइफ, इन तीनों ने
कोशिश की थी। डॉक्टर रेड्डीज का तो ऑलरेडी एक अच्छा खासा बिजनेस है रशिया के साथ, लेकिन वहां पर रेगुलेटरी अप्रूवल्स इतनी आसानी से मिल नहीं रही थी तीनों कंपनीज के, इसलिए यहां पर जो इन तीनों कंपनियों का एक्सपोर्ट था वो रशिया में बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया। अब चूंकि द्विपक्षीय बात हो रही है, 100 बिलियन तक बिजनेस को ले जाना है, तो कहीं ना कहीं अप्रूवल्स तो रशियन अथॉरिटीज को भी देनी पड़ेगी। कैसे देख रहे हैं सर सन फार्मा, एल्कम लैब और जाइडस और डॉक्टर रेड्डीज को? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, सारी जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही है, स्पेसिफिकली फार्मा कंपनीज जो है, इनके लिए डेफिनेटली आगे का रास्ता थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जब रेगुलेटरी प्रेशर थोड़ा सा कम करती है और यू नो इंडियन कंपनीज को थोड़ा सा पुश करेगी एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ये सारी कंपनीज जो आपने बताई, जैसे कि सन फार्मा हो गया, जाइडस हो गया और इबंदो फार्मा हो गया, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इन सारी कंपनीज को मेरे ख्याल से FY 2024-25 में अपने एक्सपोर्ट्स रशिया को बढ़ाने में मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का मार्केट काफी यू नो ग्रोइंग मार्केट है, इंडियन कंपनीज यहाँ पे काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो मुझे लगता है कि अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट में आपको एक अच्छा यू नो ट्रेंड आने वाले 6 से 12 महीने में दिखना चाहिए, और जो नंबर्स में भी झलकेगा, मेरे ख्याल से निवेशकों को यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। नंबर्स आने के लिए शायद आपको 1-2 क्वार्टर्स वेट करना पड़े, बट डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव है, आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी है और इसका फायदा इंडियन कंपनीज को जरूर मिले। दूसरी बड़ी खबर और उससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी हैं, इसलिए खबर ले लेते हैं पहले और उसके बाद सवाल शुरू कर लेंगे उसी खबर से जुड़े हुए। सिटी की एक रिपोर्ट आई है, सिटी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी जुड़े हुए शेयर हैं जिनमें कि एक्सेप्शनल मूव देखने के लिए मिले हैं, या सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनीज हैं जिनमें एक्सेप्शनल मूव देखने के लिए मिले हैं, उन सभी में मुनाफा वसूली का सही समय आ चुका है। अगर इंडियन मार्केट में देखें तो ASM टेक और साथ ही मोशिप, ये दो कंपनियाँ थी जिन्होंने कि एक्सेप्शनल मूव दिए हैं। अगर हम पिछले 5 दिन में भी देखें तो ASM टेक लगातार सर्किट चल रहा था, मॉसशिप जो कि करीब 6 महीने पहले 68 रुपये का शेयर था, कल 300 रुपये का भाव मिला। ASM टेक जो कि करीब 6 महीने पहले 400 रुपये का भाव था, वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 1400 रुपये हो चुका है। सर कैसे देख रहे हैं ये चिप से जुड़ी हुई छोटी मोटी ये टेक कंपनीज हैं सर, ये उतना बड़ा कारोबार नहीं कर रही हैं, लेकिन चूंकि इन्वीडिया जो कि US की चिप बनाने वाली सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनी जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन गई, उसके बाद से इन कंपनीज पर लोगों ने फोकस करना शुरू कर दिया, क्या ये सही समय है इनसे एग्जिट करने का या अभी भी इनमें एंट्री बनती है? मेरे ख्याल से देखिए, जिस प्रकार के प्राइस अपसाइड दोनों शेयर्स में हो चुके हैं, जैसे कि आपने कहा कि मॉसशिप और ASM टेक्नोलॉजीज, देखिए जब भी शेयर 3-4 गुना बढ़ता है तभी मुझे लगता है कि निवेशकों को एक सेफ स्ट्रेटेजी ऐसे बाजार में अडॉप्ट करनी चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म तो हम अभी भी समझते हैं कि जो सेमीकंडक्टर चिप वाली कंपनियां है, AI वाली कंपनियां है, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल अगले 3-5 साल के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन जहां पे आपका कैपिटल इतना तेजी से बढ़ा है और वो भी इतने छोटे समय में बढ़ा है, वहां पे आप कम से कम अपना कैपिटल निकालिए और बैलेंस क्वांटिटी आप होल्ड करिए। क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, इंडियन यू नो कॉन्टेक्स्ट में भी अगर इस साल का बजट भी देखेंगे तो गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के ये कहा है कि AI और मशीन लर्निंग और ये जो सेमीकंडक्टर का जो यू नो सेक्टर है, वहां पे इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे इंसेंटिव्स और प्रोत्साहन इंडियन कंपनीज को देने वाली है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे का रोड मैप आगे भी इन कंपनीज के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आप करें, क्योंकि जिस प्रकार से ये शेयर भागे हैं अभी वैल्यूएशंस थोड़े से फेयर टू एक्सपेंसिव भी हो चुके हैं, तो इनके लिए अभी थोड़ा कंसोलिडेशन का मूव आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा बिफोर द नेक्स्ट यू नो काइंड ऑफ री-रेट। बिल्कुल, मार्केट में इस समय देखें तो करीब 800 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में हो चुकी है और निफ्टी भी करीब करीब 250 पॉइंट नीचे आ चुका है। खबर जिस वजह से आज मार्केट गिर रहा है उस खबर बहुत ही सिंपल भी है और इस पर एक्सपेक्टेड लाइन पर भी है, क्योंकि जो सेबी की सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी है वो 15 जुलाई को FNO में जो रिटेलर का पार्टिसिपेशन है उसको लेकर अपनी एक रिपोर्ट देंगे और वॉलेटिलिटी को कर्टेल करने के लिए जो मेज़र्स हैं वो लिए जाएंगे, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण मेज़र हो सकता है वो जो लीवरेजिंग मिलती है एक रिटेलर को FNO में ट्रेड करने के लिए, उसको शायद कट किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक तेज गिरावट इस समय देखने के लिए मिल रही है, करीब सेंसेक्स 800 पॉइंट गिरा हुआ है।
सर कैसे देख रहे हैं अविनाश सर, अगर ये मेजर्स लिए जाते हैं रिटेल में, आजकल आप किसी भी व्यक्ति से, जैसे हम शुरू में शो की बात भी कर रहे थे कि हर आदमी एनालिस्ट बन गया है, सर हर आदमी एफ एंड ओ ट्रेडर भी बहुत लोग बन चुके हैं, वो एक कॉल ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि चलो 4 या 5 हज़ार रुपये ही तो लगाएं, कोई बात नहीं लगा कर देखते हैं, और उसमें लॉस खा जाते हैं। अगर प्रॉफिट आ जाता है तो हौसला दुगना हो जाता है, अगर लॉस हो जाता है तो कुछ दिन दूर रहते हैं, फिर थोड़ा सा कमाते हैं, फिर लगाते हैं। तो ये एक जो पैटर्न बना है इंडियन मार्केट में एफ एंड ओ में ट्रेड करने का, और सेबी की एक पीछे रिपोर्ट भी आई थी जिसमें 90-95% तक लोग एफ एंड ओ में लॉस ही खा रहे हैं, तो इसलिए मार्केट को की वॉलिटिलिटी को कट करने के लिए बात हो रही है। कितना जरूरी था सर ये, कितना जरूरी होगा और कितना जरूरी है ये कदम? देखिए, मेरे ख्याल से एफएनओ ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी ट्रेडर ट्रेड करता है उसको अपने लिमिट में काम करना है। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि जो ट्रेडिंग में वॉल्यूम डेटा बड़ा है, अगर आप ऑप्शन डेटा देखोगे तो बहुत बड़ी मात्रा में रिटेल इसमें एंट्री कर चुका है, और अभी ये ऐसा माहौल हो चुका है कि ऑप्शन में बहुत इजी पैसा आप कमा सकते हो। जो हालांकि ये बात सही नहीं है। आई थिंक रेगुलेटर भी चाहती है कि रिस्क कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर का कम हो, इसीलिए ऐसी भी बातें हो रही है कि शायद एफएनओ का लॉट साइज जो 4 या 5 लाख रुपया है वो कम से कम 20-30 लाख रुपया हो जाएगा। तो इससे डेफिनेटली रिटेल निवेशकों को ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए दिक्कत होगी। मेरे ख्याल से यही कारण है कि बाजार में आज आपको थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर दिख रहा है, बट ये जो ट्रेंड है ये मेरे ख्याल से इमिडिएटली तो रुकेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके रुकेगा, बट डेफिनेटली निवेशकों को थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि यहाँ पे वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट कमाने वाले लोग बहुत ही कम है, मुश्किल से 1 या 2%, और बैलेंस 95-98% तो लॉस कमाते हैं लोग। लेकिन ये एक तरीके का नशा है, लोगों को एक बार जब इसकी आदत होती है तो फिर वो कंटिन्यू होता है, वो रुकने के लिए बहुत समय लगता है। तो विवेक, आई थिंक ये रेगुलेटर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, देखेंगे आगे कैसा ये माहौल बदलता है। जी, कुछ सवाल भी ले लेते हैं। रितिका जी का सवाल है सर, पॉली कैब इन्होंने 6660 रुपये की रेंज के लिए हुए हैं, और गार्डन रीच शिपबिल्डर इन्होंने 2470 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 6 महीने का व्यू है सर, क्या करना चाहिए इनको, होल्ड कर सकती हैं क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर नजरिया आपका 6 to 12 months का है तो दोनों कंपनीज आपने अच्छी चुनी है। देखिए, पॉलीकैब कंट्री का सबसे बड़ा केबल मैन्युफैक्चरर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं वहां पे इनका काफी बड़ा एक एक्सपोजर है, और सबसे बड़ी बात इस कंपनी का जो स्केल है वो बहुत बड़ा है। तो हमको लगता है कि देखिए, अगर रॉ मेटेरियल की कीमतें थोड़े से कंट्रोल में रहती है, ऑर्डर बुक तो इनका अच्छा ही है। रही बात गार्डन रीच की, तो देखिए गार्डन रीच में जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है अगले 1.5-2 साल के लिए तो रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। आपको दोनों शेयर्स में थोड़ा लंबा निवेश सोचना चाहिए, 6 महीना तो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी अगर 6 to 12 months का नजरिया है तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि लिक्विडिटी इन स्टॉक्स में बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, और ऑब्वियसली अगर बजट में कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स डिफेंस को लेके आते हैं तो डेफिनेटली गार्डन रीच को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। तो निवेशित रहिए, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम फ्रेम और कन्विक्शन थोड़ा स्ट्रांग रखिए, लंबे निवेश के लिए ज्यादा पैसा बनेगा, यही मेरी राय है। बिल्कुल, एक दर्शक हैं यूवी, उनका सवाल है मझगांव डॉक पर, सर ये पूछ रहे हैं कि आप बाय कर सकते हैं इन लेवल्स पर? ठीक है, मझगांव डॉक अभी इस लेवल पे बाय करने से मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा अल्फा बनेगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी शेयर बहुत तेजी से भागा है। अगर आपका नजरिया इवन 2-3 साल का है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा रुकिए। डिफेंस शेयर में अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है कि ऑलरेडी इतने बढ़ चुके हैं कि अभी इसमें नया कुछ नहीं है। देखिए, जब भी कोई सेक्टर नया होता है, जब ट्रेंड शुरू होती है, तभी आपको पैसा बनाने का जो स्कोप होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अभी इस लेवल पे अगर आप खरीदते हो तो मेरे ख्याल से ये क्राउडेड ट्रेड माना जाएगा, जहां पे हर एक आदमी मझगांव डॉक के बारे में जानता है। तो यहाँ पे मुश्किल से अगर शेयर बढ़ता भी है तो मेरे ख्याल से 10-15% की मूव आपको मिलेगी, जो वैल्यूएशंस को देख के थोड़ा सा महंगा लगता है। तो इसमें फ्रेश निवेश अभी मत करिए, थोड़ा सा रुकिए, कंपनी अच्छी है, लेकिन नजरिया अगर आपका लॉन्गर टर्म है तो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी यूज करें, यही राय रहेगी। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर विक्रम जुड़े हैं चंडीगढ़ से। विक्रम जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? बहुत अच्छे सर, पूछिए आप सवाल सर। मैं ये सवाल पूछ रहा सर, ये जो एनएसपीसी है आज एकदम बहुत ज्यादा गिर गया, 5-6 पॉइंट।
बिल्कुल सर, कितने पर लिया था आपने? मैंने 105.6 पे लिया था। ओके, तो और अभी ये आज एक सौ चूंकि दो जी सर मार्केट गिर गया है तो थोड़ा सा आज प्रेशर में है। बिल्कुल 102.9 आ गया मेरा स्टॉप लॉस, मैंने 102 लगाया था तो हिट करते करते बचा है बस। जी, कितना इसमें ट्रेडिंग व्यू ही है सर, या इसको इन्वेस्टमेंट व्यू या पोजिशनल व्यू भी बना सकते हैं आप? मैं बना सकता हूँ सर, इसमें तो कोई वो नहीं है। ठीक है, पूछ लेते हैं। अविनाश सर, इन्होंने ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से लिया था, स्टॉप लॉस आज बच गया, क्या स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें या इन्वेस्टमेंट ग्रेड में भी ये काउंटर आ सकता है इन लेवल्स पर लिया हुआ है इन्होंने? मेरे ख्याल से देखिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला भी काउंटर है ये, लेकिन एक बात आपको समझनी है कि ये निवेशक कितना समय देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए नॉर्मली एनएचपीसी एक ऐसा शेयर है जो बहुत धीरे चलता है, बहुत स्लो मूवर है। दूसरे पावर सेक्टर की कंपनीज की हम बात करें जैसे टाटा पावर हो गया, REC हो गया, PFC या टिपिकली KEC इंटरनेशनल हो गया, तो ये थोड़ा सा स्लो मूवर है, लेकिन लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली अपना पैसा बन सकता है। लेकिन टाइम फ्रेम अगर इनका लंबा निवेश करने का प्लान है तो ही यहाँ पे ये निवेशित रहिए, अदरवाइज देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो अपने स्टॉप लॉस मॉनिटर करते रहिए और मोमेंटम देखिए। मेरे ख्याल से देखिए जब आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हो तब आपको स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करना है, जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है या स्टॉक उसके आसपास आता है तो आई थिंक सूझबूझ इसी में है कि आप उसमें से निकल जाए, क्योंकि अगर थोड़ा सा और मार्केट अगर गिरता है तो इसमें और गिरावट आ सकती है। बट हाँ लॉन्गर टर्म में अगर आपका प्लान कम से कम 6 to 12 months का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए, बहुत बड़ी कंपनी है। हाइड्रो पावर एक ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से प्रमोट कर रही है, फोकस कर रही है, और आने वाले बजट में भी हो सकता है कि हाइड्रो पावर को लेके कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स, तो लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली पैसा बनेगा, बट शॉर्ट टर्म में आपको मोमेंटम फॉलो करना है, स्टॉप लॉस आपका प्रॉपरली मॉनिटर करके पोजिशन यहाँ पे अपडेट कर लिया। बिल्कुल, तो सर आप इसको पोजिशनल कॉल भी बना सकते हैं ऐसा सर का मानना है। कुछ एक खबरों की तरफ बढ़ते हैं। मारुति, यहाँ पर हमने शुरुआत में बात भी की थी कि आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में नंबर वन पर चल रहा है। मारुति की सरकार से देश भर में हाइब्रिड कार बनाने पर फोकस करने पर बातचीत चल रही है और इसमें इंसेंटिव को लेकर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें यूपी में उन्होंने ये मॉडल दिया था, वहाँ पर उनको फ़ायदा मिला, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया, जो भी हाइब्रिड कार होंगी जो इसी मॉडल को वो पूरे देश भर में लागू करवाना चाहते हैं, और कई जो प्रादेशिक सरकार हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी भी उनकी भी हेल्प ले रहे हैं मारुति, और उनका मानना है कि जो ईवी है ये पूरी तरह से कैटर नहीं कर पाएगी देश में कार की जो भी डिमांड होगी, तो उसके लिए हाइब्रिड मॉडल ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। अविनाश सर कैसे देख रहे हैं मारुति को? देखिए मेरे ख्याल से मारुति को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जिस प्रकार से फोकस कर रही है हाइब्रिड कार्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों के ऊपर, तो डेफिनेटली इसका फायदा बड़े प्लेयर जैसे मारुति को मिलेगा। मेरे ख्याल से देखिए अगेन मारुति एक ऐसा शेयर है जो आपको लंबे निवेश के लिए ही रखना है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी ने पोजिशन बनाई है तो वो प्योरली मोमेंटम पे खेल रहा है, लेकिन अगर नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो मुझे लगता है कि इवन 14-14.5 हजार का भी लेवल पॉसिबल लग रहा है। कंपनी बहुत ही मजबूत है, बिल्कुल कर्जा मुक्त है, कंपनी के पास 35-40 हजार करोड़ की कैश है। सबसे बड़ी बात कंपनी का मार्केट शेयर सबसे बड़ा है और हर तरीके की हर प्राइस पॉइंट की ये गाड़ियां बनाते हैं, टेक्नोलॉजी इनके पास रेगुलरली नहीं आती है, तो मेरे ख्याल से देखिए ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, अगर किसी का निवेश करने का विचार है तो कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया लेके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऑन डिक्लाइन जरूर एक्युमुलेट करें। जी, एक खबर और आई है कि मिराया एसेट खरीदेगी शेर खान के बिजनेस को, और साथ ही अगर देखें तो RBI की जो स्वीकृति है उसका इंतजार है। अब चूंकि यहाँ पर शेर खान एक दिग्गज ब्रोकिंग हाउस इंडस्ट्री से आते हैं और इनको एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी खरीद रही है, अविनाश सर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक ब्रोकिंग हाउस को खरीदना, ये ब्रोकिंग हाउस इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन का पहला चरण माना जाए या ये एक महज उनकी एक अपनी स्ट्रैटेजिक रणनीति है जिसके तहत वो खरीद रहे हैं? नहीं मेरे ख्याल से देखिए ब्रोकिंग बिजनेस भी अभी काफी प्रोफेशनल हो चुका है और ग्रोथ पोटेंशियल तो काफी स्ट्रांग है, मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन तो जरूर है और मेरे ख्याल से अच्छा ट्रेंड है कि फंड हाउस ब्रोकिंग हाउस को खरीदेगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे फंड हाउसेज हैं जो ब्रोकिंग हाउसेज चलाते हैं,
और मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, तो डेफिनेटली अच्छी बात है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ रहा है. ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिस्टम में आएगा, क्योंकि जो भी निवेशक है शेयर खान के, वो डेफिनेटली ये बात समझते हैं कि फंड हाउस जब कोई भी ब्रोकिंग हाउस को खरीदता है, तो सेफ्टी नॉर्म्स थोड़े से और ज्यादा बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से फंड मैनेजमेंट और ब्रोकिंग ये थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है. एक ही कस्टमर से वो केटर करते हैं, हालांकि वो रिटेल हो सकता है, HNI हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री भी है. तो लॉन्गर टर्म के लिए ये अच्छी बात रहेगी. अभी कौन से वैल्यूएशन पे होता है और वो किस तरह से बिजनेस को आगे स्केल अप करते हैं, वो मेरे ख्याल से आगे पॉइंट होंगे जो मार्केट देखना चाहे. जी, चारवी जी का सवाल है सर। हिंदुस्तान कॉपर पर 363 रुपये के भाव पर उन्होंने 80 शेयर लिए हुए हैं, लॉस हो रहा है, अब क्या करना चाहिए उनको? ठीक है, मेरे ख्याल से नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए. मेरे ख्याल से क्या है, बाजार काफी वोलेटाइल है, ऊपर नीचे हो रहा है. अगर नजरिया आपका एकदम शॉर्ट टर्म है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको अपनी पोजीशंस हल्के करनी चाहिए. लेकिन नजरिया थोड़ा सा अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशित रहिए. देखिए, रिटर्न तो आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन टाइम फ्रेम आपको थोड़ा लंबा रखना है यहाँ पे. जी, और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ IDBI कैपिटल के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड मिस्टर ब्रिजेश एल भी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक जी, बोलिए. सर, आज मार्केट में जो एक गिरावट है, इसमें कुछ सपोर्ट वगैरह दिख रहे हैं या अभी लगता है कि डीप सपोर्ट बनेंगे? आज हालांकि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है. 24,200 का जो मार्क है, जो इमीडिएट एक सपोर्ट है. पिछली बार भी जब मार्केट ने एक जब करेक्शन हुआ था, जो 24,168 के लेवल से घुमा था, और आज का जो लो है वो 24,148, तो वो एक लो ब्रीच किया है. लेकिन कहीं ना कहीं 24,150, 24,200 का एक बेस है जहाँ पे मार्केट फिलहाल तो सपोर्ट ले रहा है. हमें यही देखना होगा कि आज का क्लोजिंग किस तरफ आता है. अगर आज का क्लोजिंग 24,200 के नीचे आता है, तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग जो आज देखने को मिला है, हो सकता है कि थोड़ा सा और नीचे 23,800 के आसपास आ सकता है. क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वन वे रैली देखने को मिला है मार्केट में, और प्रॉफिट बुकिंग कभी भी हो सकता है. तो आज पहला दिन है, इसको हम टेक्निकल में डिस्ट्रीब्यूशन डे वन करके इसको टैग करेंगे. और नॉर्मली ट्रेंड ऐसे 3 दिन जब लगातार गिरता है, तो हम कंफर्म बोलते हैं कि सेलिंग में आ चुका मार्केट. तो आज हालांकि पहला दिन है, तो थोड़ा कंफर्मेशन लगेगा. बट अगर लेवल्स की बात करें, तो 24,200 का पहला लेवल है. अगर आज उसके नीचे क्लोज मिलता है, तो थोड़ा सा और फर्दर डैमेज होगा निफ्टी में. तो थोड़ा कॉशियसली लेके चलेंगे. ऊपरी तरफ में 24,500 का लेवल पे रेजिस्टेंस है, जहाँ पे काफी सारे कॉल राइटर्स एक्टिव हैं. तो यही रहेगा फिलहाल तो. बिल्कुल, तो यहाँ पर सर ने दोनों ही साइड के लेवल्स बता दिए हैं, 24,500 जो कि एक क्रूशियल लेवल रहेगा ऑन द अपर साइड, और साथ ही सर ने लोअर साइड के भी लेवल्स बता दिए हैं। अविनाश सर, एक इम्पॉर्टेंट खबर इस समय मार्केट में चल रही है, वो है येस बैंक और SBI को लेकर, कि SBI ने जो स्टेक खरीदा था येस बैंक के बेल आउट के समय पर, उस समय उन्होंने 24% हिस्सा खरीदा था, और SBI अब ये पूरा 24% हिस्सा बेच सकता है। हालांकि इसमें अप्रूवल्स की ज़रूरत होगी, RBI की भी अप्रूवल होगी, गवर्नमेंट की भी अप्रूवल होगी। सर, अगर येस बैंक की जो स्टेक की वैल्यू देखें आज 24% हिस्से की, तो वो करीब 20,000 करोड़ आती है, क्योंकि येस बैंक कल जो बंद हुआ करीब 81,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ बंद हुआ। 24% हिस्सा लगभग लगभग 20,000 करोड़ का बैठता है। 4 साल में पैसे डबल तो सर FD में नहीं होते, SBI ने येस बैंक में डालकर कर लिए, तो ये एग्जिट वाइबल है? और अगर है तो सर, कौन ऐसे प्लेयर अगर नए जुड़ते हैं इसमें, तो येस बैंक का क्या होगा? नहीं, पहली बात तो देखिए, यस बैंक को ऑलरेडी RBI ने अप्रूवल दिया है कि SBI ये स्टेक बेच सकती है. अभी देखना पड़ेगा कि कौन सा निवेशक आ रहा है, MNC कंपनी है या कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है. बट माना जा रहा है कि कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इसमें पैसा डालेगा, और ये गवर्नमेंट का पहले से मेरे ख्याल से प्लान था. देखिए, SBI ने उस समय पैसे यस बैंक में डाले थे जब भी कंडीशन बहुत खराब थी, और यस बैंक को संभालने का काम SBI ने बहुत अच्छी तरह से किया. तो मेरे ख्याल से देखिए, 4 साल में अगर इनको 4 गुना पैसा मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है. क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, SBI अपना कोर बिजनेस संभालेगी, अपने ऑपरेशंस को बढ़ाएगी,
ये तो एक सप्लीमेंट्री रोल था जो उन्होंने किया था और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया है। आगे मेरे ख्याल से जो भी री-रेटिंग आएगी वो डिपेंड करेगा कि कौन सा निवेशक आ रहा है, किस प्रकार का प्रोफाइल वो एंजॉय करता है और वो किस तरह से ये आगे बैंक को अपने बिजनेस ऑपरेशंस बढ़ाएगा। तो डेफिनेटली आई थिंक देखिए 20-22 हज़ार करोड़ का तो वैल्यू बनता है, तो डेफिनेटली SBI को तो एक अच्छा गेन मिलेगा। लेकिन येस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नया प्रमोटर आ रहा है वो किस तरीके का प्रोफाइल रखता है, वेदर वो रिटेल को फोकस करेगा या इंस्टीट्यूशन को फोकस करेगा, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करेगा और उसका ओवरऑल क्रेडिबिलिटी और ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वेदर वो इंडिया का है या वेदर वो MNC का है। तो नेट नेट आई थिंक डेफिनेटली अच्छी बात है ये। मेरे ख्याल से अगर डील जी होती है तो इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर में कॉन्फिडेंस काफी अच्छी तरह से झलकेगा आफ्टर सच अ बिग क्राइसिस। जी एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, हामिद अली साहब। अली साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। हामिद जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए उनका सवाल ले लेते हैं कि उन्होंने क्या सवाल पूछा था। तो JK पेपर के 108 शेयर हैं उनके पास, 590 रुपये के प्राइस के, क्या करना चाहिए? ब्रजेश सर कैसा दिख रहा है चार्ट पर JK पेपर? विवेक जी, JK पेपर पे हमारा व्यू काफी बुलिश है। जो ये एक्चुअली इसमें हमारा फंडामेंटल कवरेज है, जहाँ पे हमारा ओके मानना है कि ये स्टॉक करीब करीब 650 से 700 के पास काफी आसानी से बाउंस कर सकता है। ये जो अपॉर्चुनिटी है लास्ट 3-4 दिन में जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है 480 के आसपास है। मेरा ये मानना है कि अगर इनको 500 के पास एक अपॉर्चुनिटी मिल गया तो इसको फिर से उनको पोजीशंस बनाने चाहिए। लॉन्ग टर्म का व्यू काफी पॉजिटिव है। 650 से 700 तक का उनको बाउंस इजीली देखने को मिल जाएगा। बाय एंड डिक्लाइन होगा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के चलते, इसमें नए पोजीशंस बनाने चाहिए। जी, तो नए पोजीशन बनाने चाहिए सर, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अविनाश सर के पास समय की उपलब्धता नहीं होगी, तो सर चलते चलते आपसे आपकी कुछ रिकमेंडेशंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। विवेक, दो शेयर हमको काफी पसंद है। एक तो फेडरल बैंक, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है और पिछले साल इन्होंने करीबन 3,900 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो 3,300 करोड़ था। यहाँ पे करीबन अगर 6 से 12 महीने की अवधि की बात करें तो मुझे लगता है कि 225 230 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। बिजनेस अपडेट भी इनका काफी रीजनेबल था। और दूसरा शेयर जो मुझे पसंद है, जो वाटर थीम के ऊपर काफी पॉपुलर है और जो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, उसका नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स। देखिए ये कंपनी बहुत पुरानी है और DI पाइप्स बनाती है, यानी पानी के लिए DI पाइप्स का, डक्टाइल आयरन पाइप्स का प्रेजेंस बहुत बड़ा है। इनकी कैपेसिटी करीबन 6,80,000 टन है, जो अभी ये करीबन 9 लाख टन तक इंक्रीज कर रहे हैं। इनका जो परफॉर्मेंस था FY24 के लिए बहुत ही दमदार था, करीबन 7,500 करोड़ पे 740 करोड़ का प्रॉफिट कमाए और मेरे ख्याल से चौथी तिमाही में नंबर्स बहुत ही तगड़े आ गए थे। कंपनी की ऑर्डर बुक भी अच्छी है, कस्टमर्स भी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे भी 6 to 12 months का नजरिया कोई लेता है तो 240-250 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छा इंटीग्रेटेड प्लेयर है जहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल से बन सकता है। बिल्कुल, तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग यहाँ पर 186 का भाव चल रहा है 250 रुपये के टारगेट्स के लिए। साथ ही फेडरल बैंक की यहाँ पर भी एक खरीदारी का मोड, जहाँ पर कि 230 रुपये के टारगेट। लगभग दोनों ही शेयर 185-86 के भाव पर चल रहे हैं, एक में 230 रुपये का टारगेट है और एक में 250 रुपये का लक्ष्य है। अविनाश सर आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। कुछ और सवाल ले लेते हैं, यहाँ पर हर्षल राज जी का सवाल है। BPCL पर 500 क्वांटिटी है 314 रुपये के भाव की, सर कब तक होल्ड करना चाहिए? ब्रिजेश सर BPCL में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, हालांकि 300-305 का जो लेवल है यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। फिलहाल तो वो मेरा ये मानना है कि जब तक 280 के ऊपर एक काउंटर ट्रेड करें या इसको पोजीशन बना के रखना चाहिए। बट फिलहाल थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है BPCL में। 300 का लेवल जो है, 305 का जो लेवल है वो इतना आसानी से शायद क्रॉस नहीं करेगा। फिलहाल होल्ड करें, अगर 305 के ऊपर निकल जाता है तो इसमें फिर से एक मोमेंटम आ सकता है। और 330 का एक लेवल है जहां से इसमें फिलहाल पिछली बार सेलिंग देखने को मिला था, हो सकता है कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सके। बट वो जो ट्रिगर है वो 305 के ऊपर ही होगा और मेरे हिसाब से इनको पोजीशन होल्ड करने का जब तक ये 280 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये काफी मेजर सपोर्ट है 280 पे। और अगर करेक्शन आता भी तो मुझे मेरा ये मानना है कि शायद 280 नहीं ब्रेक करेगा। और एक अपॉर्चुनिटी अगर उनको मिलता है 280 पे थोड़ा सा एवरेज करे, या फिर उनको वो चाहते हैं कि कुछ फ्रेश लॉन्ग्स करना चाहते हैं, तो 280 पे वो व्यू ले सकते हैं। जी,
इसी बीच रेलवे शेयरों पर भी एक खबर इंपॉर्टेंट आई है, क्योंकि रेलवे शेयर बहुत ज़्यादा इस समय ट्रेंड में है, तो यहाँ पर खबर लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत अगले 2 साल में 10,000 नए नॉन एसी कोच बनाएगा और नॉन एसी कोच की संख्या 22% बढ़ाई जाएगी। जो अभी संख्या है उसको 22% इंक्रीज़ किया जाएगा FY25 और FY26 में। वैगन बनाने वाली कंपनी, जो कोच बनाने वाली कंपनीज हैं, उन पर एक बार नज़र डालेंगे। टीटागढ़ वैगन, जुपिटर वैगन, टेक्स मैको रेल, इन तीनों ही कंपनीज में आ चुकी। मार्केट भी गिरा हुआ है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग शार्प है। कल भी प्रॉफिट बुकिंग थी हालांकि कुछ रेलवे शेयर्स में। ब्रजेश सर, कैसे देख रहे हैं इन तीनों काउंटर्स को, वैगन बनाने वाली कंपनी टीटागढ़ वैगन, जुपिटर वैगन और टेक्स मैको रेल? हालांकि विवेक, ये टीटागढ़ वैगन, आप जो भी नाम लिया आपने, ये सभी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला है। टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट डायरेक्शनली मेरा ये मानना है कि ये तीनों ही स्टॉक्स काफी अच्छे हैं। अगर लॉन्ग टर्म का किसी को व्यू लेना है तो डेफिनेटली इसमें बाय एंड डिक्लाइन का अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर लेवल्स की बात करें तो 1610 1615 का एक लेवल है जहाँ पे मेजर सपोर्ट है टीटागढ़ वैगन को। अगर ये 16 नॉट एग्जैक्टली 1615, अगर थोड़ा भी यहाँ से अभी करीब करीब 1715 के करीब ट्रेड करा है, आने वाले दिनों में अगर इसमें 50-60 पॉइंट का करेक्शन मिलता है तो एक डेफिनेटली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है फ्रेश लॉन्ग्स जाने के लिए। जुपिटर वैगन की भी अगर मैं बात करूँ तो उसका जो एक कंफर्ट जोन है 500-580 के आसपास है, 50 दिन का मूविंग एवरेज है, जहाँ पे मुझे लगता है कि जिनको भी फिर से लॉन्ग पोजिशन बनाना है वो बना सकते हैं। 580 का लेवल होगा जुपिटर वैगन के लिए। और टेक्स मैको रेल में अगर बात करें तो जो इसका जो ब्रेकआउट है 226 के रेट से आया था, तो नॉट एग्जैक्टली 225 226, बट देन एक बार 250 का लेवल जब भी एक ब्रेक कर जाएगा उस टाइम पे आप रिस्क रिवॉर्ड के नजरिए से इसमें फिर से आप लॉन्ग जा सकते हैं। बिल्कुल, तो वैगन कंपनीज में डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ एक डिक्लाइंस पर आपको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं पोजीशंस को कुछ, चूंकि रिजल्ट सीजन भी शुरू हो चुका है और डेल्टा कॉर्प के कल मार्केट बंद होने के बाद नतीजे आते हुए दिखाई दिए। कंपनी के रिजल्ट्स एक बार नज़र डाल लेते हैं। रेवेन्यूज़ 260 करोड़ से घटकर 181 करोड़ रुपए देखने के लिए मिला, 30% डिक्लाइन था। प्रॉफिट में भी करीब देखे तो 68 करोड़ से घटकर 22 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया, 68% डाउन। हालांकि Q-on-Q बेसिस पर देखें तो यही प्रॉफिट जो था ये करीब 71 करोड़ से घटकर 22 करोड़ रहा, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछली बार के जो 71 करोड़ थे उसमें करीब 50 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट था वो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से था। इसका मतलब है कि जो लास्ट Q4 में जो हमने प्रॉफिट देखा था वो भी लगभग 22 करोड़ 21 करोड़ के आसपास ही था, और अगर हम प्रॉफिट को देखें तो फ्लैटिस साइड पर ही प्रॉफिट है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में तो अच्छा चला था ये डेल्टा कॉर्प, लेकिन आज कुछ हद तक यहाँ पर मुनाफा वसूली आती हुई करीब 5% नीचे है। ब्रिजेश सर, कैसे देख रहे हैं एक कंपनी जिससे कि फंडामेंटली काफ़ी कुछ परेशानी में रही, चूंकि गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर अच्छी खबरें नहीं आई, अब रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए? विवेक, इसमें एक चीज मैं क्या देख रहा हूँ कि इसके जो लॉन्ग टर्म के जो चार्ट है वो बॉटम पे है, तो लेकिन होता क्या है कि इसमें वॉल्यूम्स आते हैं बाद में वो ड्राई अप हो जाता है, तो अगर कोई लेके इस पे पोजीशंस बनाते भी है तो फिर वो इसका कंफर्मेशन नहीं आता है कि ये कितने कितना टाइम लगा सकता है। सो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ये थोड़ा सा पैनिक वाला स्टॉक है। अगर हम ब्रेक बाय करते भी है तो इतना क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पे कितना टाइम रखना पड़ेगा। हालांकि इसके चलते बाकी के कई सारे दूसरे स्टॉक से जहाँ पे हम पैसे मल्टीपल कर सकते हैं, शायद 50-50 व्यू है मेरा इस पर। ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग मीट आप जब भी इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है 5-10% का, जो वो मैं डेफिनेटली एनकैश करना चाहूंगा, बट अगर मुझे पोजिशनल बेट लेना है तो थोड़ा कॉशियस व्यू लेके चलूंगा। और जैसे कि आपने बताया कि अभी 2-3 दिन के बाद फिर से करेक्शंस पे आया है, जो इसका जो 125 का जो लेवल है वो काफी मेजर डिमांड जोन है, तो मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है 125 से 150, ये 25-30-25 पॉइंट का एक बैंड है। वो अगर किसी को प्ले करना है तो मेरे हिसाब से प्ले कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में फिलहाल अवॉइड करें क्योंकि उतना क्लैरिटी नहीं है स्टॉक पे, तो लॉन्ग टर्म के जी लिए मैं कॉशियस हूँ। और ट्रेडिंग बाइट अगर करना है तो 125 के आसपास हम एक ट्रेड कर सकते हैं। जो जी तो 125 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस काउंटर पर ट्रेडिंग बेट कर सकते हैं। अगर कुछ भी मूव मिलता है तो आप प्लस माइनस खेल सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म व्यू इस पर कोई खास है नहीं।
नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, बाजार का दिग्गज जिसके नतीजों का सभी को इंतजार रहेगा, टीसीएस कल नतीजे देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि टीसीएस के नतीजे जनरली मार्केट बंद होने के बाद आते हैं। रेवेन्यूज़ में तो करीब 1.6% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी ऑन ए क्यू एन क्यू बेसिस, लेकिन प्रॉफिट्स थोड़ा सा गिरते हुए दिखाई देंगे, 12,500 करोड़ के मुकाबले 12,100 करोड़ की रेंज पर आता हुआ दिखाई देगा। करीब 3% प्रॉफिटेबिलिटी गिर सकती है। हालांकि आईटी कंपनीज़ में ये जो दौर रहेगा ये मिला जुला ही रहेगा, किसी कंपनी में 2% की ग्रोथ है, किसी में 2% की डी ग्रोथ है, इसी तरह के रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि Q1 Q2 से तो मार्केट को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं, मार्केट ये सुनना चाहता है कि क्या सेप्टेम्बर के बाद आईटी कंपनी अपना बुलिश रिव्यू जो फोरकास्ट है वो देना चाहेंगी या नहीं देना चाहेंगी। अगर वो ऐसा कुछ देती हैं तो मार्केट शायद उसको पॉजिटिवली लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि हाल में ही कुछ रिपोर्ट्स आई थी जो कह रही थी कि आईटी सेक्टर का जो बॉटम है वो लग चुका है। आईटी सेक्टर का, शेयर्स की बात नहीं हम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थे। ब्रिजेश सर कैसे देख रहे हैं टीसीएस बिफोर रिजल्ट्स? विवेक जी, मुझे लगता है ये जो आज का जो करेक्शन है, तो मेरा भी हमारा भी यही मानना है कि आईटी सेक्टर पे एक बॉटम बन चुका है या अच्छे खासा एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और टीसीएस में हालांकि जब रिसेंटली जब मूव आया तो 3,800-3,850 के लेवल से मूव आया था, तो जब तक टीसीएस 3,800 के ऊपर ट्रेड करा है डेफिनेटली एक पॉजिटिव जोन में है, पॉजिटिव टेरिटरी में है। और ये जो डिक्लाइन जो आज जो आपको देखने को मिल रहा है वो मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। टीसीएस पे आप अगर मार्च के मध्य में देखोगे तो 4,100 का एक लेवल है जहां से गैप डाउन हुआ था टीसीएस। तो मेरा हमारा ये मानना है कि टीसीएस एक शॉर्ट टर्म में रिजल्ट शायद जो भी आए एक थोड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लेना चाहिए। करेंट प्राइस पे भी ले सकते हो, थोड़ा सा 50 पॉइंट और करेक्शन पे और पोजिशन एड कर सकते हैं, और ऊपरी तरफ में 4,100-4,150 ये व्यू है। तो मुझे लगता है वो व्यू के लिए एक बार क्वेश्चन बनाने चाहिए टीसीएस में। जी, एक दर्शक हैं हमारे साथ वकार अहमद जी, जिनका सवाल है, वो पूछ रहे हैं सर हम आपका चैनल कुवैत से देखते हैं। इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज़ आप हमारा सवाल ले लीजिए। हमने गेल के 219 पर बाय किया हुआ है, क्या और ऐड कर सकते हैं? BEL, ONGC और NHPC। सर काफ़ी सारे सवाल आपने भेज दिए हैं, मैं गेल पर आपका सवाल जरूर ले लेता हूँ। सर 219 पर इन्होंने लिया हुआ है, क्या और ऐड कर सकते हैं? या डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। इसमें गेल का जो डायरेक्शनल व्यू है इसमें गेल पॉजिटिव है आज, हालांकि थोड़ा सा स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग आया है, लेकिन इसका जो 210-215 का काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मुझे लगता है कि वो होल्ड करें और अभी जो भी फ्रेश लॉन्ग करेंगे उसको 210 का स्टॉप लॉस लगा के वो ट्रेड करें। काफी काफी अच्छा है। तो सर टाइम फ्रेम बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये स्लो एंड स्टडी होगा, लेकिन 240-245 का लेवल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। So, ये 224 है अभी, नहीं ना करते हुए 220 का भी अगर आपको वेट करना है तो आप वेट कर सकते हो, 210 के स्टॉप लॉस से आप फ्रेश लॉन्ग जा सकते हो। जी, तो यहाँ पर 210 के स्टॉप लॉस के साथ आप फ्रेश एंट्री और कर सकते हैं। सर एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, मिस्टर चौहान जुड़े हैं बिहार से। चौहान सर हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। चौहान सर आपको आवाज आ रही है मेरी? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, आज मार्केट की तरह शायद फ़ोन लाइंस भी वीक हो गई हैं। एक बार उनका सवाल ले लेते हैं। RVNL में मुनाफा वसूल लिया है, किस लेवल पर फिर एंट्री करूं? वेरी इंटरेस्टिंग ब्रिजेश सर, RVNL में इन्होंने पहले ही पैसा अपना निकाल लिया है, अब ये फ्रेश एंट्री की बात कर रहे हैं। ओके, अगर इनको फ्रेश एंट्री करना है तो 490 का भाव है, 490 में इसलिए बता रहा हूँ, ये भी बता देता हूँ, हम लोग टेक्निकल्स में मूविंग एवरेजेस के लेवल्स को फॉलो करते हैं, जिसमें हम लोग इमीडिएटली अगर हमें कभी भी कुछ करेक्शंस पे बाय करना तो 10 EM है, 10 मूविंग एवरेज के लेवल्स को वॉच करते हैं, जो अभी RVNL में 490 के आसपास आता है। तो ये मेरा ये मानना है अगर उनको री एंटर करना तो 490 या फिर 500 ये रेंज होगा, इसके पास आता है तो ही वो बाय करें। जी, तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि आज 7% काउंटर पर मूव है, तो किन लेवल्स पर आपको बाय करना है?